किसी ने देख लिया ना तो ऐसी पिटाई होगी जिंदगी भर याद रखेगा। छोड़ यार, देखा जाएगा फिर। बेटा प्रदीप, तुम्हारे लिए मैं नया जूता लाया। अब इसको पहन के डेली प्रैक्टिस करना, और हाँ, रनिंग करने से पहले गुरुद्वारे मत्था टेकने जरूर जाना। अरे जूता तो बढ़िया है, 200 रुपए का। भाई सच में पूरा 200 रुपए का है? भाई पूरा नहीं, एक ही जोड़ा 200 रुपए का। अरे यार ये पूरा कंपनी का माल है, इतना सस्ता क्यों दे रहे? हमें क्या, एक जोड़ा ले लेता है। भाई साहब कोई 5 नंबर का जूता है? भाई साहब कल ही कंपनी से एक नया माल आया है, मैं दिखाता हूँ आपको एक नया जूता। हाँ
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लाओ भैया 200 रुपया जूता पैक कर देता हूँ। सारे 200 रुपए देता हूँ तेरे को, ये मेरा जूता है। पता ये जूता कहाँ से लिया? बताओ ये जूता कहाँ से लिया? गुरुद्वारे से चुराया। नमस्कार दोस्तों, चोरी करना पाप है। जो लोग समझते हैं कि हमें चोरी करते वो कोई नहीं देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। हम लोग इंसान को धोखा दे सकते हैं, मगर हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। एक दिन बुरे काम का बुरा नतीजा निकलना है, इसलिए मेहनत करो, मेहनत से कमाओ और मेहनत से खाओ। जय हिंद दोस्तों।